हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी का। तो आज हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में, उनको याद करने की ट्रिक्स के बारे में। इस वीडियो में जनवरी से दिसंबर तक के पूरे मंथ्स को कवर किया गया है, ठीक है। वीडियो हिंदी में होगी और जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उन सबको याद करने की दो तीन लाइन की ट्रिक है हर मंथ की, ठीक है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में, पूछ ही लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो इन सब ट्रिक्स के ज़रिए आप लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी की, ठीक है। तो जनवरी के लिए ट्रिक है कि जनवरी में मेरे घर में 5 तरह के लोग आए, जिनमें से 12 युवा, 15 सेना के लोग, 24 बालिकाएँ और 25-25 पर्यटन और मतदाता और 30 शहीद परिवार के लोग जो कुष्ठ रोग के शिकार थे, ठीक है। यह है ट्रिक पूरी जनवरी को याद करने के लिए, ठीक है। तो जनवरी में सबसे पहले जैसे कि 5 तरह के लोग आए, ठीक है। तो टोटल 5 इम्पोर्टेंट डेज हैं यहाँ पे, जिनमें से 12 युवा, तो 12 को हो जाएगा भारतीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे, 15 सेना, तो 15 को हो जाएगा 15 जनवरी को आर्मी डे, 24 बालिकाएँ, तो 24 जनवरी को हो जाएगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। 25-25 पर्यटन और मतदाता, तो 25 को पर्यटन दिवस भी है और मतदाता दिवस भी, मतलब 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी है और नेशनल वोटर्स डे भी है, ठीक है। और है 30 शहीद, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस, राष्ट्रीय शहीद दिवस या नेशनल मार्टर्स डे, और कुष्ठ रोग, ठीक है, एंटी कुष्ठ रोग दिवस भी है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोगों को जितने भी 5 इम्पोर्टेंट डेज हैं जनवरी के वो सब याद हो जाएंगे, ठीक है। इन ट्रिक्स का आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फरवरी की अगर हम बात करें, ठीक है, अब बात करते हैं फरवरी की। तो फरवरी की अगर हम बात करें, फरवरी में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हर डे को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं बस वही सबको मैंने बनाया है यहाँ पे। तो फरवरी के लिए ठीक है, फरवरी में विज्ञान ने 2 प्रयोग किए, जिनमें से 4 कैंसर के मरीजों को ठीक करने में 28 विज्ञान का उपयोग किया गया, ठीक है। विज्ञान के इक्विपमेंट का उपयोग किया गया, ठीक है। इस टाइप से कर लो तो इजीली रिमेम्बर हो जाएगा। तो 4 कैंसर से हो जाएगा 4 फरवरी, 4 फरवरी को है कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस, और 28 विज्ञान, तो 28 फरवरी को हो जाएगा नेशनल साइंस डे, ठीक है। इसमें 2 ही हैं। तो अब बात करते हैं मार्च की, ठीक है। मार्च में बहुत सारे हैं और जितने भी हैं सब क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इम्पोर्टेंट डेज हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल के। तो इसके लिए ट्रिक है कि 8 महिलाओं को 12 किडनियाँ, ठीक है, ये वाली 8 महिलाओं को 12 किडनियाँ, 15 उपभोक्ताओं को, कोमा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और 15 उपभोक्ताओं को 20 गोरैया के माध्यम से खुशी खुशी 21 वनों में 22 जल नौकाओं के जरिए 23 मेट्रो स्टेशनों पर 24 टीबी के मरीजों को बेचा गया, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लेकिन इसको एक बार याद कर लेंगे तो पूरा याद हो ही जाएगा। जैसे 8 महिलाओं को, तो 8 मार्च महिलाओं से हो जाएगा इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है। अब बात करते हैं 12 किडनी, तो 12 को क्या हो जाएगा, 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, ठीक है। 15 उपभोक्ताओं के लिए, तो 15 मार्च को हो जाएगा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 गोरैया, तो 20 मार्च को हो जाएगा वर्ल्ड स्पैरो डे या विश्व गोरैया दिवस, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी दिवस भी होता है, तो इसीलिए ट्रिक है कि 20 गोरैयों के माध्यम से खुशी खुशी, तो यहाँ पे दोनों आ गए। तो अब बात करते हैं 21 वनों में, तो 21 मार्च को क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 जल नौकाओं, ठीक है, तो 22 को हो जाएगा वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, और 23 मेट्रो स्टेशन, तो 23 को हो जाएगा वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। मेट्रो स्टेशन मेटीरियोलॉजिकल आ जाएगा, ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस। और 24 टीबी, तो 24 मार्च को हो जाएगा वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है, विश्व टीबी दिवस, टीबी ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी। तो अब बात करते हैं अप्रैल की, ठीक है। सो अप्रैल में ज़्यादा नहीं है, टोटल 5 है ना। तो अप्रैल के लिए ट्रिक है कि 2 आदमियों ने अच्छी हेल्थ के साथ साथ 21 बार सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया
और वो दो दो बार इस धरती पर पास पास हुए पार सॉरी वो दो दो बार इस धरती पर पार पास हुए और अंत में 24वीं बार उन्हें पंचायत विभाग में जॉब मिली। ठीक है, सो इससे क्या हो जाएगा, दो आदमियों से क्या हो जाएगा, 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे, आदमियों से ये याद रखना आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। ठीक है, और अच्छी हेल्थ के साथ साथ, तो 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 21 बार सिविल सर्विस, तो इससे हो जाएगा 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आता है वो दो दो बार इस धरती, तो दो दो से हो जाएगा 22। ठीक है, तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है, पृथ्वी दिवस हो जाएगा। उसके बाद 24वीं बार उन्हें पंचायत विभाग मिला, तो 24 का हो जाएगा 24 अप्रैल, और पंचायत से नेशनल पंचायत राज डे या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं मई की। ठीक है, तो मई के लिए ट्रिक है कि एक राजीव नाम का मजदूर था जिसने तीन प्रेस निशुल्क जिसे तीन प्रेस निशुल्क मिले थे, जो 11वीं सदी की तकनीक से बने थे, पर 21वीं सदी में कुछ आतंकवादियों ने राजीव को मारकर उसे 31 रुपए में तंबाकू कंपनी को बेच दिया। ठीक है, ये ट्रिक है, तो काफ़ी फनी टाइप की। तो एक से हो जाएगा 1 मई। ठीक है, 1 मई को जो एक राजीव नाम का मजदूर था, तो 1 मई को क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। तो तीन प्रेस, तो 3 मई को हो जाएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 11वीं सदी की तकनीक, तो 11 मई को हो जाएगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तकनीकी दिवस। ठीक है, 21वीं सदी में कुछ आतंकवादियों, तो यहाँ से हो जाएगा 21 मई को एंटी टेररिज्म डे, ठीक है, आतंकवाद विरोध दिवस। और 31 रुपए में तंबाकू कंपनी को बेच दिया, तो 31 मई को हो जाएगा एंटी तंबाकू डे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच फॉर मोर अपडेट्स। तो अब बात करते हैं जून की। ठीक है, तो जून के लिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दो ही इम्पोर्टेंट डेज हैं, और दोनों एनवायरनमेंट और योगा से रिलेटेड है। तो इसके लिए है ट्रिक है कि 5 लोगों ने प्रकृति या पर्यावरण से जुड़े 21 योग आसन किए। तो 5 लोगों ने प्रकृति से जुड़े, तो 5 जून को हो जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस। 21 योग आसन किए, तो 21 जून को हो जाएगा इंटरनेशनल योगा डे या इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो विश्व योग दिवस। ठीक है, इसके लिए दो ये हैं। अब बात करते हैं जुलाई की। ठीक है, तो जुलाई के लिए भी दो इम्पोर्टेंट डेज हैं। वैसे तो जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था, वैसे तो काफ़ी बहुत हैं, बहुत सारे हर डेज़ के लिए किसी न कोई ना कुछ मिल ही जाता है, लेकिन बट सबको याद करने से क्या फ़ायदा, ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनकी ही लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो जुलाई के लिए ट्रिक है, एक डॉक्टर ने सन 2011 की जनसंख्या का नियंत्रण किया। सो एक डॉक्टर ने, सो 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। और 2011 की जनसंख्या, तो यहाँ से अपने को बस 11 लेना है। ठीक है, 11, तो 11 जुलाई को क्या हो जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या विश्व जनसंख्या दिवस। ओके, सो अब बात करते हैं अगस्त की। ठीक है, तो अगस्त के लिए ट्रिक है कि 6 हीरो ने 9 नागों को और 12 साल के युवा को 29 बार ध्यान से खेलने को दिया। ठीक है, 6 हीरो ने 9 नागों को और 12 साल के युवा को 29 बार ध्यान से खेलने दिया। ठीक है, तो 6 हीरो से हो जाएगा 6 अगस्त, और हीरो से हो जाएगा हीरो स्वामी सॉरी हीरोशिमा, हीरोशिमा डे। ठीक है, और 9 नागों को इससे हो जाएगा नागों, नागों से नागासाकी। ठीक है, तो 9 अगस्त को नागासाकी डे, और 12 साल के युवा, तो 12 अगस्त को क्या हो जाएगा इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 29 बार ध्यान से खेलने दिया, तो 29 अगस्त को खेलने दिया से स्पोर्ट्स डे हो जाएगा। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे या ध्यानचंद दिवस 29 अगस्त को हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सितंबर की।
सितंबर के लिए ट्रिक है कि पांच शिक्षक ने 8 वर्ल्ड के साक्षर व्यक्तियों को, 14 हिंदी पे, 15 इंजीनियरिंग पे और 16 ओजोन दिन पे निबंध लिखने के लिए दिया या निबंध लिखवाया गया। तो पांच शिक्षक से क्या हो जाएगा, 5 सितंबर, 5 सितंबर को शिक्षक से टीचर्स दिवस या शिक्षक दिवस हो जाएगा, 8 सितंबर वर्ल्ड है साक्षर व्यक्तियों के लिए, तो 8 सितंबर को जाएगा वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस, 14 हिंदी तो 14 को हिंदी दिवस, 15 इंजीनियरिंग, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे हो जाएगा, 16 सितंबर को ओजोन डे हो जाएगा, वर्ल्ड ओजोन डे। देख ही रहे हैं आप लोग कितना ईजी पढ़ता जा रहा है ना। हाँ, तो अब बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में बेसिकली चार हैं इम्पोर्टेंट डेज, तो इसके लिए ट्रिक है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया और 8 एयरफोर्स ने 9 पत्र पोस्ट किए, वो 24 UNA देशों को। ओके, सो 2 अक्टूबर के लिए एक तो गांधी दिवस हो जाएगा, ठीक है, और अहिंसा दिवस भी हो जाएगा, तो नेशनल नॉन वायलेंस डे और गांधी डे दोनों हो जाएगा 2 अक्टूबर को। तो 8 एयरफोर्स, तो 8 अक्टूबर को जाएगा एयरफोर्स डे, 9 पत्र पोस्ट, तो 9 अक्टूबर को जाएगा वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे या विश्व डाकघर दिवस, और 24 UNA देशों को, तो 24 अक्टूबर को क्या हो जाएगा यूएनए डे, मतलब यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो अब बात करते हैं नवंबर की। तो नवंबर के लिए ट्रिक है कि 7 कैंसर पीड़ित और 14 भारतीय बच्चे एंड 20 इंटरनेशनल बच्चे 21 नवंबर को टीवी पर हेलो वर्ल्ड बोल रहे थे, ठीक है, तो 7 कैंसर पीड़ित से हो जाएगा नवंबर, 7 नवंबर को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, ठीक है, विश्व कैंसर जागरूकता डे हो जाएगा, और 14 भारतीय बच्चे से हो जाएगा 14 सितंबर को चिल्ड्रंस डे, ठीक है, 20 इंटरनेशनल बच्चे इससे हो जाएगा 20 नवंबर को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, ठीक है, और 21 बच्चे 21 नवंबर को टीवी पर हेलो बोल रहे थे, ठीक है, सो 21 नवंबर को क्या हो जाएगा वर्ल्ड हेलो डे, ठीक है, और वर्ल्ड टेलीविज़न डे दोनों हो जाएंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं दिसंबर की, ठीक है, तो दिसंबर के लिए ट्रिक है कि 23 किसान जिनमें से एक एड्स पीड़ित और 3 संरक्षित क्षेत्र के हैं और 4 इंडियन नेवी के थे, है ना, वो सब मिलके 10 मानव अधिकार और 14 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के मुद्दों को लेकर 11 दिसंबर को यूनिसेफ गए, ठीक है, तो 23 किसान से हो जाएगा 23 सितंबर, 23 दिसंबर, सॉरी 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर को जाएगा किसान दिवस या फार्मर्स डे, और एक एड्स पीड़ित, तो 1 दिसंबर को क्या हो जाएगा विश्व एड दिवस, एड्स दिवस, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे, और 3 सांस्कृतिक क्षेत्र के, तो 3 दिसंबर को हो जाएगा विश्व संरक्षण दिवस या वर्ल्ड कंजर्वेटिव डे, संरक्षित क्षेत्र से यहाँ पे संरक्षण का लिए है, ठीक है, यूज़ किया गया है, तो 4 इंडियन नेवी, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस या इंडियन नेवी दिवस, 10 मानव अधिकार, तो 10 दिसंबर को हो जाएगा विश्व मानव अधिकार दिवस या वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स दिवस, ठीक है। अभी प्रत्येक यहाँ पे है कि 14 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, तो 14 दिसंबर को हो जाएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, और जो कि लास्ट 11 दिसंबर को यूनिसेफ गए, तो 11 दिसंबर को क्या हो जाएगा यूनिसेफ डे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये पूरे मंथ्स के इम्पोर्टेंट डेज हैं, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।